आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं। दुनिया के सबसे अजीज तरीन शायर जिनका नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, उनका IIT दिल्ली का मुशायरा आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हमारा सौभाग्य, इसे आप समझिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ ऑलरेडी वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर एजुकेशन, और वहाँ पर जाकर के जब राहत इंदौरी साहब ने अपना मुशायरा पेश किया होगा तो स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन रहा होगा वो देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हूँ, एक्साइटेड हूँ। हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलामु अलैकुम, मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज तो जी बहुत ही महान वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं। आई डोंट थिंक कि बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन ने इस वीडियो को अभी तक देखा होगा, पर आज इसे वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड कर देते हैं पूरी दुनिया के अंदर। एंड एज आई से, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब इज़ दी बेस्ट शायर टू एग्जिस्ट टिल डेट। वो हमारे बीच हमेशा अपने शब्दों के जरिए जीते रहेंगे। एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर राहत इंदौरी जी को सुने आप भरपूर मोहब्बत के साथ में। सबसे बड़े हमेशा जी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बैठिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से IIT दिल्ली का शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ में अपने छोटे भाई शंकर शंभू का, कि आज इतनी खूबसूरत महफिल का मुझे भी हिस्सा बनाया। या आज दिल्ली की इस महफिल में राहत इंदौरी का सम्मान नहीं है ये, बल्कि पूरे उर्दू समाज का आपने सम्मान किया है। और कुछ तीनों ने मुझे ज़्यादा बूढ़ा और बुज़ुर्ग और वरिष्ठ और वगैरह बना दिया। मैं उम्र में सब बच्चे हैं तीनों ये। इन्हें मैं ये बता दूं कि ये मेरी कुछ बीमारी और कमज़ोरी की वजह से सिर के बाल थोड़े उड़ गए हैं, बाकी पूरी मशीन काम करती है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। मैं शायरी के बारे में भी मैं ये बता दूँ दोस्तों कि मुझे कोई गर्रा या गुरूर या घमंड या फख्र नहीं है कि मैं कोई उर्दू का बहुत बड़ा शायर हूँ। बस इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, मुझे इस बात का एहसास है कि पढ़े लिखों मैं बोल रहा हूँ तो इस बात का मुझे एहसास है कि मैंने कोई एक 20-25 बरस तक एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाई है, तो मुझे इस बात की जानकारी है कि गज़ल सुनने के लिए, गज़ल सुनाने के लिए, गज़ल समझने के लिए, गज़ल समझाने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत चरित्रहीन और बच्चलन होना पड़ता है। और जब जब ये हमारी मुमताज़ जो शायरा हैं, जब ये कह रही थी, जब बता रही थी आपको कि पीतल जेवर का बक्सा खोला, जिस तरीके से उन्होंने बक्सा खोला और आपने देखा, और जब ये मछुआरे नयन पढ़ रहे थे, कुंवारे नयन पढ़ रहे थे, और जिस तरीके से आप सुन रहे थे, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे काम के यहाँ काफ़ी लोग हैं। एक बात और, इससे पहले कि मैं शायरी सुनाना शुरू करूँ, एक बात आपसे और बता दूँ कि मैं जब तक पढ़ूँगा उसमें ज़्यादा तालियों की गुंजाइश नहीं होगी, इसलिए कि मैं जो पढ़ूंगा उसे समझने की गुंजाइश होती है, तालियों की गुंजाइश कम होती है। पहला शेर पढ़ता हूँ जो सिर्फ जाहिर है कि यहाँ पे 90% से ज़्यादा तो नौजवान ही हैं, तो ये सिर्फ नौजवानों के लिए मेरा पहला शेर है। बुजुर्ग जो सामने बैठे हैं मेरे, ये भी मेरा ये शेर सुन सकते हैं, लेकिन ये अमल ना करें इस पर। मैं पहला शेर आप सब बच्चों के लिए पढ़ता हूं, और ये आवाज देखिए, अभी उस वक्त मैं बोला ही नहीं था तो कहां से आएगी आवाज। मैं जब बोलूंगा उस वक्त आवाज जरूर आएगी, मेरा शब्द इतना सस्ता नहीं जो इसी आवाज बगैर आवाज चलाए। ये
बहुत काम का शेर है, मेरी उम्र अब कुछ 70 बरस की हो गई है, लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि मैं कभी 20 बरस का भी था। तो ये जो तजर्बा मैं बयान कर रहा हूं ये आपको आज काम आएगा, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं पहला शेर, सुने सब। और यही अंदाज़ा मुझसे हो जाएगा, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि दूसरा शेर मुझे कैसा पढ़ना है, पहले शेर ही बता देगा, या दूसरा शेर पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना ये भी बता चल जाएगा। सुने के राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ हो। आवाज आ रही है ना, तो ये आवाज इसलिए आ रही है कि मैं बोल रहा हूं। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। इशारों में बता भी देना। शुक्रिया आपका। मुझे अंदाजा हो गया कि दूसरा शेर मुझे कैसा पढ़ना है या फिर राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। दूसरा शेर भी बहुत काम का है, इसे कम मत नंबर दीजिएगा। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। एहतियातन इसे, वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो जला भी देना। बहुत अच्छा, जला भी देना। सुने साहब के किसने दस्तक दी, श्रीमान आप भी सुने हजरत साहब, आपको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहिए कि आपने बच्चों को बहुत अच्छा ट्रेंड किया है। सुनिए है कि किसने दस्तक दी। मैं धीरे धीरे शायरी की तरफ आऊँगा, कोशिश करूँगा, और बीच में कभी ना कभी ऐसी शायरी ज़रूर आ जाएगी जिस शायरी की वजह से ये राहत इंदौरी या तो बहुत मशहूर है या बहुत बदनाम है। लेकिन आपसे गुजारिश सिर्फ मेरी दोस्तों यही है कि जब तक मैं माइक पर हूँ आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं अच्छा शेर सुना दूं। ये ध्यान रखिए, कह रहा हूं कि किसने दस्तक दी, एक एक शख्स शिरकत करे, किसने दस्तक दी ये दिल पर। ओके, कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है, आप तो अंदर हैं, आप सबके लिए है मेरा ये शेर, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है, साहब जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे हैं, सब समझ गए साहब, कमाल के बच्चे पैदा किए साहब। हर बच्चा समझ रहा है कि अमरूद का मतलब क्या होता है।
आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे। अब अपने गांव में अमरूद पक रहे हैं। अब ये एक शेर और सुने, मजा आएगा आपको, अच्छा लग रहा है, मुझे भी सुनाने में अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, भुला दे मुझको मगर मेरी उंगलियों के निशान, भुला दे मुझको मगर, सुने भाई शंभू शिखर ये बच्चे तो हैं सही, वो उस लड़की पिछले ने कुछ कह रही थी कि ले तुम भी तलाक ले लो मैं भी तलाक ये कोई जरूरी थोड़ी हो, तलाक लेना कोई जरूरी थोड़ी है, मियां साहब देखिए हमारे तजर्बों पर, हमारे बताए हुए रास्तों पर और हमारे तजर्बों पर अमल करोगे तो सारी जिंदगी सुख में काटोगे। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, हमने सारी जिंदगी गुजार दी इश्क करने में, ना शादी की जरूरत है ना तलाक की जरूरत है। शेर का मजा लीजिए कि अब जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे, अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे, भुला दे मुझको मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे मगर भुला दे मुझको। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक बात बताइए, आप लोगों को ठीक लग रहा है? अभी थोड़ी देर के बाद आपको और ठीक लगेगा। भुला दे मुझको मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे होंगे। साहब आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, ये मैं किसकी किसको सुना रहा हूं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बस ये है कि मैं थोड़ा सा शरीफ आदमी भी हूं, तो मैं खुल के नहीं बहुत बता सकता, लेकिन मुझे मालूम है कि खुल के आप खुद पहुंच जाएंगे। Exactly. आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं, आग के पास मोम को लाकर देखूं, बहुत एक्सट्रीम, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं। अब एक शेर अच्छा रचना रहा हूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं। बहुत शुक्रिया, मुझे डर लग रहा था कि मैं अच्छा शेर पढ़ना शुरू करूं या ना करूं, पता नहीं आप कि क्या सलूक करें, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप मेरी शायरी के साथ भी सफर कर रहे हैं, तो मेरी हिम्मत भी बढ़ी है कि मैं आपको शायरी सुनाना भी शुरू करूंगा। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगा कर देखूं, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है,
और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाए, मेरी सांसों में समाया भी बहुत, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और उससे प्रोफेसर साहब, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। और वही शख्स पराया भी बहुत है साहब, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में साहब, अगर आप इजाजत देख, एक एक बात बता दूं, राज की बात है ये, मेरा जो कारोबार है, मेरा पेशा है ये जो मैं कविता पाठ कर रहा हूं, ये मेरा कारोबार है, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। और मैं जो कहने जा रहा हूं ये मेरे कारोबार का नुकसान है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, इसलिए कि यहां पर आपके साथ बेईमानी करने को मेरा जी नहीं चाहता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया। यकीन कीजिए, मैं इंतजार कर रहा था कि एक मरतबा आप मेरी गिरफ्त में आ जाएं, फिर मैं पहला शेर पढ़ के देखूंगा। क्या अगर आपकी इजाजत है तो मैं पहला शेर पढ़ के देखूं? ये तय करेगा मुझे कि आगे मुझे कितनी देर आपके सामने माइक पे खड़े रहना है। मैं पहला शेर पढ़ के देखता हूं, ये शेर तय करेगा कि मुझे कितने मिनट आपके सामने माइक पे खड़े रहना है। साहब फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, एक एक शख्स मेरे साथ होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। जिंदाबाद, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां उठा दे हवा में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब, मैं गदगद हो गया, आपने मेरे शेर की इज्जत रख ली, यानी मेरी इज्जत रख ली, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। ये मैं अगला शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये हमारे वज़ीर आज़म यानी प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के तक ये शेर पहुंचाना चाहता हूँ। हमारे कविता के मंच पर या मुशायरों के उर्दू शायरी के मंच पर जब जब उनका जिक्र करते हैं तो या तो शौचालय की बात करते हैं या चाय की बात करते हैं, नहीं, इसके अलावा भी वो एक अजीम इंसान हैं, एक बड़े लीडर हैं, और सबसे बड़ी बात तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे हमें शायरी की ज़ुबान में भी अगर बात कर रहे हैं तो सलीके से करना चाहिए। अगर मैं सलीके से कुछ कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी साहब के लिए तो मैं आपकी ताईद चाहूँगा। पहला शेर मैंने ये पढ़ा है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। अब मोदी जी आपसे दरख्वास्त है कि कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र जिनकी कम, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, बहुत बड़ी बात कही है। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में, बहुत शुक्रिया साहब, कोहिनूर होना चाहिए, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। सुने दोस्तों कि हम
आपका शुक्रिया साहब, अब मैं अंदाजा हो गया कि मैं अब आपको शायरी सुना सकता हूं। हम अपनी जान के दुश्मन को, जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। ये देखिए, जान और दिल और सनम, इस तरीके लफ्ज आते हैं, वैसे सब आह करने लगे। ये जान, जान कुछ और भी हो सकता है, मेरी जान, जान कुछ और भी हो सकता है। कह रहा हूं कि आपने कहा था कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए। कह रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान के। आपको मायूसी होगी ना, आप जाने क्या सोच रहे थे ना। इनकी नजर में वही 5 फुट 4 इंच वाली जान रहती है, इसके अलावा ये विशाल हिंदुस्तान भी हमारी जान ही है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। साहब, ये जो जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। मैं हिंदुस्तानियों को, मैं अपने अजीज हिंदुस्तानियों भाइयों को सबको दावत दे रहा हूँ शेर को समझने में। से सिर्फ गाली बकना नहीं काफ़ी होता है कि इस पाकिस्तान को गाली बक दी, इधर उसको, चीन को गाली बक दी और हमने तालियां बजा ली, एक लिफाफा लिया, एक चेक लिया और घर चले गए। समाधान होना चाहिए। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख, साजिश का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया दोस्त। मैंने आपसे वादा किया था कि बीच में कहीं कहीं ऐसी शायरी ज़रूर आ जाएगी जिसकी वजह से राहत इंदौरी है, और आपने उसी तरीके से सुना भी। मैं आपको सलाम करता हूँ आपकी मोहब्बत का। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अगर ये दुश्मन ना हो तो हमारे हौसले पस्त हो जाएं। हम सब इन्हीं की वजह से जिंदा हैं, यकजहती है, मोहब्बत है। मर जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, ख़त्म करके रख देंगे। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो आँखों में जो जो दुनिया को सुनाई दे, उसे कहते हैं खामोशी। इस लाइन का मज़ा ले लेते, मज़ा आ जाता। मैंने क्या कहा है? जो दुनिया को सुनाई दे, उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे, जो दुनिया को सुनाई दे, उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे, उसे तूफान कहते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे, उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे, उसे तूफान कहते हैं। देखिए गजल किस तरह चैलेंज करती है, गजल किस तरह दुश्मनों को लताड़ती है, और गजल किस तरह दुश्मनों के लिए दुआ मांगती है। आप मेरे साथ हो जाना, मुझे लग जाएगा कि मेरे साथ हैं, तो एक आध गजल और अच्छी सुना के जाऊंगा। सुने के सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। खंजर ही नहीं, सुन ले दोनों, इस्लामाबाद भी और पेकिंग भी। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। अरे खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था। एक अचानक बीच में एक दो तीन शेर याद आ गए, गजल पर पहुंच जाओ। कितनी, दो तीन मिनट, चार मिनट है मेरे पास? नहीं नहीं, समय तो शंभू शिखर से ही पूछना पड़ेगा। वो कहेगा साहब ये इतने टाइम के पैसे थोड़ी दिए थे आपको। मैं दोस्तों ये अचानक बीच में दो तीन शेर याद आ गए, इसलिए कि मैंने आपसे एक जुमला बीच में कहा था कि आप इतने ईमानदार और शरीफ लोग हैं कि आपके साथ बेईमानी करने को जी नहीं चाहता। वरना मुझे ताली बजाने के बहुत तरीके याद हैं, आप वाह वाह कर करवा लूँ जो बहुत, लेकिन इतने अच्छे लोग आप हैं कि मैं बीच में कुछ शेर याद आ गए तो मैं सुना रहा हूँ। ये हमारे मुल्क के एक बहुत ही जिम्मेदार रहनुमा हैं, लीडर हैं, उनका नाम है राजनाथ सिंह साहब। नहीं यकीनन यकीनन, इसमें कोई मैं तर्ज नहीं करता हूँ। मुझे वो याद नहीं, मैं विरस का आदमी भी नहीं हूँ और सिर्फ ताली बजाने के लिए किसी का नाम ले लूँ ऐसा भी नहीं। वो अक्सर ये बयान देते रहते हैं कि हमें अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते कायम रखना है, उनसे डायलॉग करना है, उनसे बातचीत करना है, हमें दोस्ताना बढ़ाना है और दोस्ती करना भी। तो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ अखबारात में, बयान मीडिया में सुनता रहता हूँ। गाज़ी आबाद में एक मरतबा उनसे मेरी मुलाकात हो गई तो मैंने उनके सामने, पब्लिक के सामने ये कहा कि आप ज़रूर बात कीजिए, ज़रूर डायलॉग कीजिए, लेकिन बात करने का थोड़ा सा तरीक़ा बदल लीजिए। अगर आप तरीक़ा बदल लेंगे तो शायद बहुत से मुश्किलों के हल निकल आएंगे। तो वहीं मंच से मुझे किसी ने, एक दोस्त ने कहा कि आप बता दें कि क्या तरीक़ा होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने वहीं पर एक शेर सुनाया, अगर वो तरीक़ा मैंने सही बताया हो तो मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा कि हाँ राहत इंदौरी, आपने तरीक़ा जो बताया ये सही तरीक़ा है। वो मैंने ये सुनाया कि जो तौर है दुनिया, तौर कहते हैं तरीके को, जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, उसी उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोले। जो तार है दुनिया का, जो तार है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, ये सही तरीका है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो। साहब लड़की हमारी बेटी है ये मुमताज, इसने ये कह रहा था कि मैंने पाकिस्तानियों को कहा कि मेरे अजीज हों। मैं भी कुछ ऐसे ही कुछ कह रहा हूँ। बिल्कुल, मेरे भी अजीज हों। जो तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। साहब दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। साहब सूरज सितारे चांद, देखिए टेक चेंज हो गया, अचानक बीच में वापस आ जाऊंगा। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ
मेरे हाथ में रहे, मेरे हाथ में रहे। वाह वाह, सिर्फ 70 बरस में, 70 बरस में हिंदुस्तान का एक मुसलमान ये कह रहा है कि हमें बात करने का तरीका बदल देना चाहिए। सिर्फ 70 बरस में एक ऐसा हिंदुस्तान जो एक था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, वहीं का हिंदुस्तानी एक ये कहना पड़ रहा है उसको, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और अब ये आवाज बदलना पड़ रही है मुझे, मेरे हाथ में रहे शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और अब सुन ले के शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे वो पत्ते नहीं हैं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। मैं बहुत वक्त की पाबंदी है, एक मर्यादा है सबके लिए वक्त था, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एक दो तीन शेर दो डेढ़ मिनट में, दो मिनट में कह रही, ताकि आप बिल्कुल ताज़ा हो जाएं, सरहद पर चले गए थे, जंग की तरफ चले गए थे, वहाँ से वापस दिल्ली आ जाएं होश खास की तरफ, वो तो फिर अच्छे हल्के फुल्के हो गए हम। ये कुछ बच्चों की फरमाइशें, मैं आमतौर पर फरमाइशें पूरी करता नहीं हूँ, और मैं मना भी करता हूँ बच्चों को कि मर्दों से फरमाइश नहीं करना चाहिए, लेकिन लेकिन उनकी ख्वाहिश थी, मुझे टेलीफोन पर कर कह कर करके बताया गया, हमने खड़गपुर में IIT में सुना, रुड़की में IIT में सुना, कहाँ कहाँ दिल्ली बम्बई में सुना। तो मैं दो चार शेर हैं, ये डेढ़ मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने उसकी कत्थई आँखों में, उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर। सब इसमें क्या खूबी या खराबी है कि अचानक ख़त्म हो जाएगा, तो ज़रा सा होशियार रहना ताकि मेरा नुकसान ना हो। उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर, सब सब उसकी कत्थई आँखों में है, उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर, सब चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर सब खत्म हो गया। ये मैंने बोला था जरा होशियार रहिएगा, आपने होशियार रहे सब कुछ। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर साहब, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। ये एक नाकाम और नामुराद किस्म का आशिक है उसकी आवाज़ थी, लेकिन एक मर्दाना आवाज़ थोड़ी अलग होती है, ऐसा लगता है कि शायद वो मर्दाना आवाज़ आपको ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने अभी शेर ये पढ़ा है कि जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर साहब। मर्दाना आवाज़ ये है कि मुझसे बिछड़ कर वो भी कहाँ पहले जैसी है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर। दिस वॉज द बेस्ट मुशायरा ऑफ माई लाइफ। I feel so fortunate right now. Oh God, एक एक शायरी दिल से महसूस हुई है, रूह के अंदर जाकर के इनके सारे शेर और शायरी लगते हैं। I feel so full right now. I really don't even want to say anything. जितने भी पाकिस्तानी अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो मैं आपको
तहे दिल से एक प्यार का पैगाम देना चाहती हूँ और एक अर्जी लगाती हूँ कि जैसे हम प्यार बांटते हुए वीडियोस बनाते हैं ना कि इंडिया लव्स पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तान से भी खूब सारे वीडियोस आए तो हमें बेहद अच्छा लगेगा। एंड आई डू वॉच फ्यू चैनल्स, वहाँ के कुछ बहुत ही प्यारे से मुस्लिम भाई बहन हैं जो हमारे इंडिया के सारे धर्म के लोगों को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। दिली तमन्ना तो हम सबकी यही है कि यार सब एक साथ खुश होकर के रहें, जैसे कितने खुशनुमा माहौल इंदौरी साहब ने सबके लिए बना दिया। मैं तमन्ना करती हूँ ऐसे और वीडियोज़ पर रिएक्शन कर पाऊँ। अगर आपका सपोर्ट तो आपको सिंपल सा कमेंट करना है कि आपको महसूस क्या हो रहा है। सच बताऊं तो मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि इस हिंदुस्तानी नारी के साथ बैठ करके आप बहुत सारे मुशायरे देखने में इच्छुक हैं, क्योंकि मैं भी आपके साथ मुशायरे देखने में मजे आ रहे हैं। और आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का और घरवाली का भी ख्याल रखिएगा, और अपने प्यार का इजहार कर दो तुम अगर तुम्हें कोई पसंद आ गई है या आ गया है तो। क्योंकि भाई ये जवानी के दिन ना बहुत लंबे नहीं होते, एक दिन हम सबको बुजुर्ग होना है। सो जस्ट लिव द लाइफ एट इट्स फुलेस्ट राइट नाउ। अल्लाह हाफिज।